हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है ये मार्कफेड के संबंधित है। मार्कफेड के संबंधित आपके जितने भी डाउट्स हैं या पिछले जो हम लोगों ने आपके कमेंट्स के बेस पर इसमें एक डाटा कलेक्ट किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इसको बहुत ही छोटे से सेशन में आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो आप जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबको बताना चाहूँगा कि आपको कम्प्लीट यानी मार्कफेड के संबंधित फ्री में क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। जो ई पेपर के संबंधित हैं, आपको जितनी भी प्रिपरेशन की जरूरत होगी गिल्ज मेंटोर आपकी हेल्प करेगा और इसके संबंधित आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। पहले तो हाईलाइट करते हैं कि पंजाब के अंदर जो मार्कफेड रिक्रूटमेंट आउट हुई हैं, इसमें वेरियस वैकेंसीज आउट हुई थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो 106 थी। ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस थी वो 18 मार्च से शुरू हुई और लास्ट डेट इसकी 18/4/2019 तक है। तो इसके बाद में जो मेनली बात करते हैं, बाकी वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। 36 पोस्ट थी किसके लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए और स्टेनोटाइपिस्ट की 19 वैकेंसी है। पहले तो जो 40 मार्क्स का इसमें प्रॉपरली सिलेबस नहीं दिया था और इसके संबंधित हम लोगों ने आपको एक वीडियो के जरिए मैसेज देने की कोशिश की थी। हमारी टीम ने कोशिश की, हम लोगों ने आरटीए का प्रेशर दिया कि ये बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट ने सीधा लिख दिया था कि ग्रेजुएशन बेस। देखो ग्रेजुएशन बेस की बात है तो देखो बीएससी वाले को क्या आप मैथ डालोगे, नॉन मेडिकल वाले को मैथ डालोगे, मेडिकल वाले को क्या आप केमिस्ट्री डालोगे इसमें? तो ऐसा तो है नहीं है। जिसने बीकॉम किया तो क्या आप उसे अकाउंट के क्वेश्चन डालोगे, जिसने बीए किया आप उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या डालोगे? तो ये कोई बात बिल्कुल भी लॉजिक नहीं था इस बात में, पर्टिकुलर जो मार्कफेड के द्वारा जो हमें पहले सिलेबस दिया गया था। तो कोशिश ये हुई कि आप सबके ब्लेसेस के साथ में ये एक सिलेबस दोबारा से, और मैंने आपको यही संदेश दिया था कि गायब जो 40 मार्क्स हैं इसी को ही मर्ज कर दिया जाएगा और उसी के बेस पर हमें सिलेबस मिलेगा। तो हम लोग इसी सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या बेस्ट भी हो सकता है प्रिपरेशन करने के लिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर का रिव्यू क्या है, किस तरह से है, मैं सारी कोशिश करूंगा इस सेशन के अंदर बताने के लिए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मार्कफेड के स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा। करंट अफेयर्स हम आपको टाइमली देंगे, इसके अलावा पंजाब का जीके है, चाहे हिस्ट्री है संबंधित, जो भी जितना भी हमारी तरफ से हो सकता है हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव संबंधित आप तक नोटिफिकेशंस और आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशंस आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। एग्जाम प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फ्री कोचिंग आपकी कैसे ले सकते हैं, क्रैश कोर्स हम लोग 25 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, 25 अप्रैल से लेकर हम लोग आपको 40 डेज के सिलेबस में लेके चलेंगे। देखो हम ये मान सकते हैं कि 18 अप्रैल को इसकी जो एग्जाम फॉर्म डेट है, माफ करना, वो पूरी हो रही है। तो ये तो है नहीं है कि ये आगे आपका अप्रैल के अंदर एग्जाम लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। मान सकते हैं कि मई के अंदर भी एग्जाम, बहुत ही कम चांसेस हैं। एग्जाम कंडक्ट होगा तो वो जून में ही हो सकता है, ये एक हमारा अंदाजा है, हम ऐसा मान रहे हैं। कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है कि जून में एग्जाम होगा, हो सकता है आगे जुलाई में चला जाए। सिर्फ हम आपको जो प्रिपरेशन करवाएंगे गाइस, वो सिर्फ तो ऐसा मानते हैं 40 डेज के सिलेबस में हम लोग क्या कवर करवाएंगे, मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सिलेबस पे हमें हाईलाइट करना पड़ेगा अपने आपको, ये सिलेबस है पर्टिकुलर, इसके अंदर आपको क्लियर कहा गया है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि रेफरेंस इन्होंने एडवर्टाइज नंबर 106 पोस्ट की दी थी और पोस्ट जैसे मार्कफेड के अंदर पब्लिश की गई थी, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स है, जगबाणी, पंजाब केसरी, 8/3/2019 को डिटेल ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि रिक्रूटमेंट संबंधित अपलोड की गई थी, इसमें कि ये जो टेंटेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा रिटन एग्जामिनेशन फॉर द सीनियर असिस्टेंट के लिए ये होगा, 25 क्वेश्चन जो आपके आएंगे 25 नंबर के होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। अब ये क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा, इसके लिए हमें काम क्या करना है कि हमें ल्यूसेंट की बुक को फॉलो करना है। इंग्लिश की ल्यूसेंट की बुक आती है, उसको आज ही उठा लीजिए, उसको फॉलो करना है। अब आप में टॉपिक क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसमें ग्रामर टॉपिक करना है। ग्रामर टॉपिक के अंदर देखो बहुत सारी बेसिक चीजें आ जाती हैं जो हम लोग फिफ्थ क्लास से पढ़ते हैं, ग्रामर में आ जाते हैं, सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि टेंस हो गया, पैसिव हो गए, नरेशन हो गए, आर्टिकल्स हो गए, नाउन प्रोनाउन इसके संबंधित। इसके साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ में एंटोनिम्स प्लस सिनोनिम्स, ये दोनों चीजें आपने रीड करनी है। आप टारगेट कैसे बनाना है, हर दिन में आपने 10 एंटोनिम और 10 सिनोनिम्स रीड करेंगे आप हर दिन। और मैं चाहूंगा कि जिसकी कैपेसिटी काफी अच्छी है लर्न करने की, तो प्लीज आपने कोशिश ये करना है कि इसको 2020 में भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा
हम लोग ग्रुप्स के अंदर और हमारी वेबसाइट www.gilsmentor.co.in पर हम लोग डेली में इंग्लिश में करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। कोशिश करो कि इंग्लिश में, मैं मानता हूं कि मैं अगर पंजाबी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा लेकिन पेपर में इंग्लिश आएगी तो उसके लिए तो हम पंजाबी नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना, क्योंकि ये भी तो हमें इंग्लिश में लिख के दिया रखा है। तो ऐसी चीजें कुछ हैं जिन्हें हमें अच्छे से ग्रैब करनी पड़ेंगी गाइस, क्योंकि वैसा ही एनवायरमेंट हमें लेना पड़ेगा। तो अब आपको काम क्या करना है, ल्यूशेंट की बुक लेनी है। डेली में एंटोनिम्स सिनोनिम्स इस बुक के अंदर दे रखे हैं, यहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ी सी विकैब को भी अच्छा करना चाहते हैं तो पैरामाउंट की इंग्लिश की बुक आती है, उसको भी आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। पंजाबी ग्रामर में मैं नहीं मानता कि पंजाबी ग्रामर के अंदर आज भी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो आपने 10th क्लास के ग्रामर को उठा के एक बार रीड कर लो, 10वीं क्लास की ग्रामर की बुक को पढ़ ली, रीड कर लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं करना, बस इतना सफिशियंट आपके लिए। अब आता है कि जीके और जनरल अवेयरनेस, ये टू पार्ट अलग अलग होते हैं। देखो जीके और जीए, ठीक है, और इसके अलावा होता है जीएस, जीएस जनरल स्टडी, जीके जनरल नॉलेज और जीए आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें अवेयरनेस में तो आएगा आपका करंट अफेयर, ठीक है। टोटल मार्जिन ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे, तो मैं ये ऐसा मान सकता हूं कि अब देखो कहां से और किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे आपको। देखो टॉपिक बाय टॉपिक काम क्या करना है, मैं आज या कल के अंदर एक 2017 के अंदर आईएएस सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने एक साल के अंदर अपना सिलेक्शन करवाया था, और मैं कोशिश करूंगा कि उनका मोटिवेशनल स्पीच हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग पब्लिश करेंगे, जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन कुछ सीखने को मिलेगा कि तैयारी का स्ट्रेटजी और लेवल क्या होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो सिलेक्शन करवाने के लिए पहले अपने दिमाग से जीतना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर आपने ऑफिसर ग्रेड में जाना है तो पहले अपने दिमाग से ऑफिसर बनिए। अगर आपको मानिए कि नौकरी लेनी है तो पहले नौकरी लेने का दिमाग में जज्बा बिठाइएगा। कुछ स्टूडेंट्स को भर्ती एग्जाम, जैसे सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम होना ना 21st को, तो लोग आज हमसे पूछ रहे हैं पीपीएससी का भी सर सिलेबस क्या है। तो ये चीजें पता लगती हैं कि आप माइंड से कितने वीक हैं। तो कोशिश करें आप हमारे साथ जुड़े, तो हम आपको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएंगे, किसी को गाली गलोच ऐसा कुछ नहीं है। आप इसी प्रकार से इस चैनल पे हो तो बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा कि जीके के अंदर बात करेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है, और इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस की लेंथ हमेशा ज्यादा रहती है। इसमें आ गया कि पंजाब का जीके, पंजाब के सभी टॉपिक्स आ गए, पंजाब की हिस्ट्री, पंजाब का एनवायरमेंट, पंजाब का ज्योग्राफी, सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो कि करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर लास्ट 3 months और 4 months से आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, और इसमें जीएस का पार्ट कुछ भी नहीं आएगा। मेंटल एबिलिटी के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, सर मैथ आएगी या रीजनिंग आएगी। गाइस यहां पर पार्ट ऑफ द रीजनिंग है, जहां पर बात आती मेंटल एबिलिटी में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इन्होंने नहीं आपको हमें कहा गया कि आपको मैथ आएगा। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम ऑन एजस नंबर फर्स्ट, उसके बारे में मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के संबंधित आपको लेक्चर्स दिए थे, वैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और इसके लिए आप बिल्कुल वरीड नहीं होना, आपको हम लोग आपको प्रिपेयर करवाएंगे कैसे आपको चलना है कैसे नहीं चलना। इसके बाद में आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल के संबंधित आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने हमारी वेबसाइट पर एक बुक पब्लिश की है, ठीक है। इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट ही बुक फ्री है। मैं मानता हूं अगर बुक को पढ़ लिया तो 100% एक भी क्वेश्चन वहां से आउट नहीं होगा, 20 के 20 क्वेश्चन आप एकदम खड़े कर सकते हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन आउट नहीं होगा। अगर आपको बुक नहीं मिल रही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जहां से आप बहुत इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 100 क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा पेपर का, और इसी पर हमने चलना है। जहां तक बात आती इंग्लिश की, इंग्लिश की अभी तक हम कोई आपको लाइव क्लासेस नहीं दे पाएंगे, बाकी जितनी भी क्लासेस होंगी हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत जल्दी एज सून एज पॉसिबल ये हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 40 डेज के अंदर हमने ये सिलेबस कवर करना है, और 40 डेज के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लेक्चर्स होंगे, और आप सबने अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, ताकि आपको घर बैठे आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपसे कोई भी लाइव सेशन का कोई भी पैसा पाई फीस वगैरह नहीं होगा, बस आप सबका प्यार चाहिए, हमें ये प्यार मिलता रहेगा तो हम बस आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, ठीक है गाइज। वी होप, और आपको मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूं कि आफ्टर इलेक्शन आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कि जून, फिर उसके बाद में जुलाई सेप्टेम्बर के अंदर वैकेंसीज आएंगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, याद रखिएगा, फॉर द काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, मेरे इस वर्ड को याद रखिए, वैकेंसीज आएंगी, आपको तैयारी करनी है। आपको एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट के लिए या तो जाने दो या जान लगा दो, बस ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और बस इसी स्ट्रेटजी के साथ हम काम करेंगे।
और इस चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और बेल को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल को प्रेस करने का फायदा यह होगा कि आप जब भी हम लोग लाइव सेशन का कोई नोटिफिकेशन लेके आप तक आएंगे या कोई लाइव सेशन की क्लास होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, जिससे कि आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस यूट्यूब पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको जैसे कि हमारा मेथड या फंडा अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़िए, अदरवाइज आप जहां से पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़िएगा। लेकिन कोशिश ये रखें कि मौका जिंदगी में बहुत कम मिलता है, जो मिला है उसको छोड़िएगा मत, इसी स्प्रिट के साथ काम आपने करना है। तो मैं वंस अगेन कहूंगा थैंक यू सो मच गाइस, तो अपने दोस्तों तक लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। 25 अप्रैल से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, सभी वन बाय वन क्लासेस चलेंगी आप सबके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी आप सबके लिए। ठीक है गाइस, तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।